एमपी पुलिस भी यूपी पुलिस की राह पर चल रही है। अब एमपी पुलिस भी अपराधियों को ठोकने की रणनीति पर काम कर रही है और ऐसा दिशा निर्देश खुद एमपी के एडीजी दे रहे हैं। जो भी पुलिसकर्मी चेन स्नैचर्स की ठोक को ठोकेगा उसको ना मैं केवल इनाम दूंगा बल्कि उसका आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी मैं रिकमेंड करूंगा। आईजी साहब ये भी कह रहे हैं कि जो भी चेन स्नैचरों को ठोकेगा उसे आउट ऑफ द टर्म प्रमोशन दिया जाएगा, इनाम भी मिलेगा। बहादुरी के साथ हमारे क्राइम ब्रांच के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने जिस तरह इनको शॉर्ट इनकाउंटर में पकड़ा है निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। और अब हमारा अगला टारगेट चेन स्नैचर्स हैं। मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जब भी कोई चेन स्नैचिंग की घटना हो वायरलेस सेट पे पॉइंट चले, आप पूरे शहर की तत्काल नाकाबंदी करिए, चेज करिए चेन स्नैचर्स को और ठोंकिए। जो भी पुलिसकर्मी चेन स्नैचर्स की ठोक को ठोंकेगा उसको ना मैं केवल इनाम दूंगा बल्कि उसका आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी मैं रिकमेंड करूंगा। थैंक यू। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस के एडीजीपी राजा बाबू सिंह ग्वालियर दौरे पर थे जहां वे एसपी के ऑफिस पहुंचे और लूटपाट गिरोह का खुलासा करने वाले पुलिसकर्मियों को शाबाशी दी और उनकी पीठ थपथपाई। दरअसल एमपी में चेन स्नैचरों से न सिर्फ आम जनता परेशान है बल्कि पुलिस के नाक में इन झपटमारों ने दम करके रखा है। आए दिन राज्य में चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आ रही है। ऐसे में राज्य के एडीजी का ये बयान चेन स्नैचरों के लिए खतरे की घंटी जैसे है। लेकिन एडीजी के इस रणनीति पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस के पास विपरीत हालातों में अपने अफसरों से अनुमति लेकर आत्मरक्षा में फायरिंग करने का अधिकार होता है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि अपराधी या तो राज्य छोड़ दें या फिर उन्हें ठोक दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर काफी सियासत भी हुई थी और अब एमपी के एडीजी के इस बयान पर विपक्ष अगर सवाल खड़े करे तो ये हैरानी भरा नहीं होगा। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।